वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.12। क्वेश्चन के लिए आप लोग प्लीज बुक रिफर कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गैसोलीन इंजन है, जिसमें गैसोलीन इंजन में क्या होता है कि गैसोलीन वेपर फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना, और साथ में एयर भी रहता है उसमें, जैसा कि डीजल इंजन में होता है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक हम लोग पहले गैसोलीन इंजन का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। इसी जो गैसोलीन इंजन, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक एयर का स्ट्रीम इसके अंदर जा रहा है और एक गैसोलीन वेपर का स्ट्रीम अंदर जा रहा है। और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो मास फ्लो रेट जो होगा एयर और गैसोलीन का, मतलब कि दिस इज एयर एयर और ये गैसोलीन, वेपर क्लियर। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो मास फ्लो रेट जो होगा एयर का और जो गैसोलीन का जो मास फ्लो रेट होगा, दोनों का रेशियो 14:1 का है ना। मतलब कि एम डॉट ए अपॉन एम डॉट जी इज इक्वल टू 14 है ना। इससे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, एम डॉट जी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा है ना। एम डॉट ए इज इक्वल टू 14 ए और एम जी इज इक्वल टू सिंपली ए हो जाएगा है ना। इसका मतलब है कि इसको जब आप आगे करेंगे तो ये सिंपली एम डॉट ए इज इक्वल टू 14 ए और एम डॉट जी इज इक्वल टू सिंपली ए होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो होगा एम डॉट ए, ये कितना होगा 14 ए और ये जो एम डॉट जी है ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए होगा। क्लियर। और टेम्परेचर जो है वो दोनों का इक्वल है, इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स टी ए वन इज इक्वल टू टी जी वन इज इक्वल टू 30°C है ना। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो इनिशियल होगा इसको हम लोग टोटल को ले लेते हैं ये 1 1। उसके बाद फिर ये जो कंबशन जो होगा, उसके बाद जो कंबशन जो प्रोडक्ट जो इंजन से बाहर आएगा, तो इसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 15 ए होगा है ना, 14 ए प्लस ए टोटल मिल करके बाहर आएगा है ना। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसके अंदर है सो किसी भी तरीके का मास का कंजुम्पशन नहीं हो रहा है, जो एयर और गैसोलीन वेपर जो है, और ना इस इंजन से है सो किसी तरीके का मास का लॉस हो रहा है। क्लियर। और जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ, 790°C। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है कि यहां से हीट का लॉस हो रहा है क्यू, ये कितना लॉस हो रहा है, 35 किलोवाट। ठीक है। और ये इंजन पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, डब्ल्यू डॉट, ये 26 किलोवाट। क्लियर है ना।
ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। तो कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ दी फ्यूल एयर स्ट्रीम, मतलब कि ये जो फ्यूल एयर स्ट्रीम जो होगा, जो मिक्सचर जो होगा, ये कम्बशन और कम्बशन से पहले, है ना, कम्बशन से पहले भी ये क्या होगा कि कहीं मिक्स मिक्स होगा दोनों, तो इन दोनों में जो आउटलेट पे और इनलेट पे जो इंथैल्पी होगा उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इंक्रीज का मतलब क्या है कि H2 - H1, है ना, और ये हम टू टू ले लेते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, H2 - H1 = W, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। इंक्रीज इन इंथैल्पी का मतलब ये हुआ, है ना, मतलब टू कैलकुलेट इंक्रीज इन इंथैल्पी। ये हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर। और इंफॉर्मेशन और भी इसमें दी हुई है ना, वो इंफॉर्मेशन और क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है क्या है, नाउ एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो फ्यूल कंजुम्पशन जो है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजुम्पशन, वो 0.3 किलोग्राम पर किलोवाट आवर दिया हुआ है ना। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से वो क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट, मतलब मास फ्लो ऑफ गैसोलीन वेपर, दैट मीन्स m.g, ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 0.3 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया कि जो गैसोलीन इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उस पावर को अगर हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर पावर प्रोडक्शन में जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा गैसोलीन वेपर का, वो कितना होगा, 0.3 kg होगा। इसका मतलब ये होगा, क्लियर, है ना। ये जो किलोवाट आवर है ये पावर आउटपुट है गैसोलीन इंजन का, है ना, और जो भी गैसोलीन इंजन जो पावर आउटपुट होगा उसको अगर हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 किलोवाट आवर में जो ये पावर आउटपुट में जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 0.3 किलोग्राम, क्लियर। एक्चुअल में ये डॉट अभी नहीं होगा, इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा, है ना, डॉट यहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 0.3 किलोग्राम 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 3600 किलो जूल होगा, है ना, ये पता है कि 1 किलोवाट आवर मीन्स 3600 किलो जूल होता है, ये हो गया, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है इस गैस गैसोलीन इंजन में, वो कितना हो रहा है, 26 किलोवाट। दैट मीन्स जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26 किलो वाट, मतलब कि 26 किलो जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 किलो जूल जो पावर है, मतलब 26 किलो जूल जो है वो कितने टाइम में हो रहा है, तो 1 सेकेंड में हो रहा है। तो 1 किलो जूल कितना होगा, 1 किलो जूल कितना होगा, तो 1/26 सेकेंड में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देन 3600, मतलब 3600 किलो जूल पावर कितने में प्रोड्यूस होगा, तो 1/26 × ये 3600 सेकेंड, इतना हो जाएगा। तो
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3600 किलो जूल है, इसके जगह पर हम ये पूरा पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब है 0.3 किलोग्राम डिवाइड बाई 1/26 इंटू 3600 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 0.3 इंटू 26 अपॉन 3600 ये किलोग्राम पर सेकेंड। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.167 इंटू 10^-3 किलोग्राम पर सेकेंड, है ना। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मास फ्लो रेट जो होगा गैसोलीन का वो कितना होगा, तो 2.167 इंटू 10^-3 किलोग्राम पर सेकेंड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब गैसोलीन का जो मास फ्लो रेट हम लोगों ने क्या लिया है, ए लिया है, तो इसका मतलब है कि दिस इज ए, क्लियर। तो सो यहीं पे मास फ्लो रेट टोटल मिक्सचर का क्या हो जाएगा, तो 15 ए होगा, है ना। दैट मीन्स 15 इंटू 2.167 इंटू 10^-3 किलोग्राम पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.0325 किलोग्राम पर सेकेंड, है ना, ये आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू जो है ये किसका हो गया, टोटल मिक्सचर का, है ना, जो कि उस कंबसन प्रोडक्ट का एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्लियर। नाउ अब फॉर गैसोलीन इंजिन एज ए कंट्रोल वॉल्यूम, सीवी क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, है ना। यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे फ्लो इज स्टेडी, हालांकि ये अजम्पशन हमें पहले ले लेनी चाहिए थी, है ना। मास फ्लो रेट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 15 ए, वो उसी कंडीशन में होगा जब वो स्टेडी फ्लो होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अब टोटल एनर्जी इन कितना होगा, तो H1 होगा। टोटल एनर्जी आउट क्या होगा, तो H2 प्लस W डॉट प्लस Q डॉट होगा, है ना। फिगर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी इन कितना होगा, ये H1, ये H1 का मतलब क्या हो गया कि इंथैल्पी ऑफ मास, इंथैल्पी ऑफ एयर प्लस इंथैल्पी ऑफ गैसोलिन, है ना। ये यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन ये अंदर जब जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं, अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, है ना। और आउटलेट पे, तो यहाँ पे टोटल इनलेट पे एनर्जी कितना होगा H1, और आउटलेट पे क्या हो जाएगा, ये हीट फ्लो जो कि सराउंडिंग और वाटर जैकेट कूलिंग उसमें फ्लो हो रहा है, मतलब कूल हो रहा है, और ये पावर आउटपुट, क्लियर। तो टोटल एनर्जी आउटपुट पे क्या होगा, Q, दैट मीन्स ये H2 प्लस W डॉट प्लस Q डॉट, क्लियर।
तो इसका मतलब क्या है? H2 - H1 इज इक्वल टू W डॉट प्लस Q1 होगा। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस है, यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस H2 + H1 इज इक्वल टू W डॉट प्लस Q डॉट। इसका मतलब W डॉट की वैल्यू 26, Q डॉट 35, ये क्या हो जाएगा 61 किलोवाट, मतलब कि 61 किलो जूल पर सेकंड। अब ये भी डॉट है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 - H1 इज इक्वल टू -61 किलो जूल पर सेकेंड, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, M.H2 - H1 इज इक्वल टू -61 किलो जूल पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं। और H2 - H1 इज इक्वल टू -61 डिवाइड बाई एम डॉट, और एम डॉट की वैल्यू 0.0325। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी। ये क्या होगा, किलो जूल पर केजी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 1876.9 किलो जूल पर केजी, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं, और 1877 किलो जूल पर केजी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो इंथैल्पी में जो इंक्रीज होगा वो इतना होगा, इंक्रीज तो नहीं हो रहा, ये एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए है। तो यहाँ पे माइनस साइन हम रखेंगे, अगर ये लिखा होता है कितना डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस साइन हम नहीं देते, है ना। ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि वो इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, एक्चुअल में वो डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? इसमें अगर किसी स्टेप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, उसको क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में फिर देखेंगे। थैंक यू।